हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू मैथ वाले बाबा यूट्यूब चैनल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लास 9th एंड 10th। आज मैं आपके लिए लाया हूँ आर्स अग्रवाल नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1C का फुल सॉल्यूशन, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ फॉर द CBSE एग्जामिनेशन। तो लेट स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर्स, गिव्स एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रैशनल नंबर है क्या और किस प्रकार ये रैशनल नंबर से डिफरेंट है, और एग्जाम्पल भी दो। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन वन में, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नीदर टर्मिनेटिंग एंड नॉर रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। आप सभी जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेक्चर 5 में भी डिस्कस किया ऑलरेडी, लेक्चर 4 में बताया हूँ, वैसे नंबर जिसका डेसिमल अगर हम लोग निकाले वो ना ही टर्मिनेटिंग हो, मतलब खत्म ना हो, रिमाइंडर जीरो ना हो, और ना ही रिपीट करे। देखोगे कि रैशनल नंबर में रिपीट करता है बार बार, लेकिन इरेशनल नंबर में रिपीट नहीं करता, खत्म भी नहीं होता, बार बार अलग अलग डिजिट आते रहता है, और लोग उसको नहीं बोल सकते कि रिपीट कर रहा है, एक जैसा तो आएगा नहीं। तो रिपीट करना मतलब क्या, एक ही चीज बार बार आना, अलग अलग चीज बार बार आना रिपीट करना नहीं कहलाता, याद रखना। तो वही इरेशनल नंबर हो गया। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, पाई, पाई रैशनल नंबर है, एक बार अच्छे से याद रखना आप, ठीक ना। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं पाई के ऊपर, 4√2, √5 etc, ऑल दीज आर इरेशनल नंबर। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। तो हमको यहाँ ये भी क्वेश्चन है, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर। तो हम लोग लिखेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशनल नहीं होगा यहाँ पे, एक्सपेंशन कर लो, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ओके। तो ऑफ ए रैशनल नंबर इज इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि जो अगर हम रैशनल नंबर का डेसिमल निकाले तो या तो रैशनल नंबर मेरा टर्मिनेटिंग होता है, मतलब कि रिमाइंडर जीरो आ जाता है, पूरा पूरी डिविजल हो जाता है, या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब कि खत्म तो नहीं होता लेकिन रिपीट करता है, उसी को हम रेकरिंग बोलते हैं, ठीक। तो यही दोनों में अंतर है। जबकि व्हाइल इरेशनल नंबर हैज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो नॉन रेकरिंग यहां कर दीजिएगा, ओके। तो यही दोनों में अंतर है, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोग के लिए, ठीक, आप समझ गए होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत एरर वो लिखने में आ जाती है, ओके, डोंट माइंड, आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। कह रहा है कि मुझे पता लगाना है कि इसमें से कौन रैशनल है और कौन इरेशनल है। ऐसा ऐसा बहुत क्वेश्चन आपके आरएस अग्रवाल बुक में है, लेकिन मैं उनसे एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लिया हूँ, तो वन बाय वन करते हैं, ओके। पहला है √3/81, तो हम लोग लिखेंगे √3/81 इज इक्वल टू √3/9 × 9 / 1/9 × √3, लिख सकते हैं, ओके, ध्यान दो। अब क्लियरली 3 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ओके, ये हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर देंगे उसके बाद बताएंगे। क्लियरली 3 इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो, अंडर रूट में कोई भी रैशनल नंबर रहे जो परफेक्ट स्क्वायर हो तभी वो इरेशनल नहीं कहलाता है, वरना वो इरेशनल होता है। जब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रूट के अंदर तो इरेशनल नंबर ही होता है। तो यहाँ पे जो 3 है वो लिख देंगे विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 3 किसी का स्क्वायर करने पर 3 आता है? नहीं आता। कोई भी रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा? नहीं। सो √3 इज इरेशनल नंबर, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब अंडर √3 जो होगा इरेशनल नंबर है ना, इतना समझ रहे हैं ना। देयरफॉर 1/9 × √3 इज इक्वल टू √3/81। एक्चुअली हम √3/81 को ही तो लिखे थे, 1/9 × √3, उसी को क्वेश्चन में लास्टली मैं इक्वल टू कर दिया, ताकि क्वेश्चन जो मुझे कर रहा था वही प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, ये पता होना चाहिए। 1/9 × √3 इज इक्वल टू √3/81 गिवन था क्वेश्चन में, इज एन इरेशनल नंबर। अब ये क्यों इरेशनल है, हम तो ये समझ गए कि मेरा जो √3 है, √3 तो इरेशनल है, यहाँ पे जो आपका √3 है वो तो इरेशनल है, लेकिन इसका बात करें तो ये किसके इक्वल है, 1/9 √3। तो आपको अच्छे से पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ओके। ये इरेशनल नंबर है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल होता है, तो इसमें से ये जो है आपका 1/9 वो रैशनल है और √3 रैशनल है, दोनों का मल्टीपल ही, तो यही क्वेश्चन है, और ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर। चलो प्रूफ कर दिए, तो आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा हो, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एक साथ लिया, बहुत सारा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मुझे सॉल्व कराना है आपके लिए।
तो देखिए करा रूट 361, तो देखो रूट 361 को हम इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 19 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है 361 90 का स्क्वायर है, तो 90 आ गया है ना। इसी बात को पहले तो लिख देना, उसके बाद इसको स्टेटमेंट के साथ लिख देना है ताकि मार्क्स एक भी नहीं आपका कट पाए और आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाए। तो लिखेंगे क्लियरली 361 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ओके, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 19, जो कि 19 का स्क्वायर है 361, परफेक्ट स्क्वायर है। और अंडर रूट में कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ना तो रैशनल नंबर कहलाता है, पता है ना। सो अंडर रूट 361 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है इज अ रैशनल नंबर, इसी बात को लिखना है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हाँ मैं पॉजिटिव इंटीजर क्यों लिखता हूँ, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर इसलिए लिखता हूँ कि अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, उसका कोई वैल्यू नहीं निकलता, इसलिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिखता हूँ। समझ आ रहा है बात, तो चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन अंडर रूट 21, तो हमको सिंपल देखना है क्या रूट 21 जो है 21 परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर 21 होता है नहीं, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, बीच में कोई भी ऐसा नहीं आ रहा जिसका स्क्वायर 21 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इरेशनल, इसी बात को लिखना है। क्लियरली 21 इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो अंडर रूट 21 इज एन इरेशनल नंबर। तो अंडर रूट 21 पहले देखो, अंडर रूट 21 मत लिखना, 21 लिखेंगे क्योंकि रूट के अंदर का हम बात कर रहे हैं, तो 21 इज अ पॉजिटिव इंटीजर है ना, क्योंकि अंडर रूट 21 इंटीजर ही नहीं है बच्चों, वो इंटीजर है ही नहीं, तो 21 का बात करेंगे। 21 इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, सो रूट 21 इज एन इरेशनल नंबर। आप पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इरेशनल नंबर होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, 4-5 डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो पहला 4 है अंडर रूट 1.44। देखो ऐसा क्वेश्चन है ना तो बहुत बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं, देखो मैं कितना शॉर्टकट बना लिया। तो बच्चों देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी मुझे भी आता है डायरेक्ट बनाना, लेकिन मुझे मेरा पहला प्रियोरिटी है कि आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए फॉर द सीबीएसई व्यू, ओके, सो दैट मैं हमेशा हर स्टेटमेंट को लिखता हूँ। अंडर रूट 1.44 है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 144 और डेसिमल हटा के नीचे 100 कर दे रहे हैं ना। अब देखो 144 को ऊपर ये रूट ही रहने दो और नीचे अंडर रूट 100 ही कर लो अगर आप चाहो तो। 144 आपको पता है 12 का स्क्वायर करते 144 आता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 100 ही परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि 12 बाय ऊपर 12 लिख सकते हो और नीचे क्या लिख सकते हो, नीचे 10 लिख सकते हो, लेकिन अगर आपका मन नहीं है तो यहाँ नहीं भी लिखोगे तो नंबर कटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी नीचे आप लोग के लिए लिख चुका हूँ, ओके। अगर लिख भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम है, इट्स नॉट प्रॉब्लम फॉर मी एंड फॉर एग्जामिनेशन वी ऑल्सो। तो चलिए चलते हैं, देखो लेकिन क्लियरली बोथ ऑफ 144 एंड 100 आर द पॉजिटिव इंटीजर, ओके। पहले तो लिख देंगे पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होता है, इस बात को लिखना जरूरी है। विच आर द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12 एंड 10, ये जो है ऊपर वाला 12 का परफेक्ट स्क्वायर है और नीचे वाला 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, और अंडर रूट के अंदर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल नंबर आता है, मतलब कि ऊपर भी रैशनल नंबर आएगा, है ना। 144 परफेक्ट स्क्वायर है तो ऊपर रैशनल नंबर, 100 परफेक्ट स्क्वायर है तो 100 भी रैशनल नंबर, तो ऊपर रैशनल नंबर नीचे रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का कोशेंट निकालोगे, उसको कोशेंट बोलते हैं, डिवीजन करते हैं ना, जो आंसर आता है उसको कोशेंट बोलते हैं। तो दो रैशनल नंबर का डिवीजन करने पर जो कोशेंट आता है वो भी रैशनल नंबर होता है, पढ़ा ही होंगे आपको, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी, आपको मालूम ही होगा कभी भी दो नंबर को रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो रैशनल नंबर ही आता है, यही बात को लिखना है। अच्छे चलिए लिख देते हैं, क्लियर दी बोट ऑफ 144, ये तो बता ही दिया। डज अंडर रूट 144 एंड रूट 100 इज रैशनल नंबर, क्योंकि आपको पता है दोनों परफेक्ट स्क्वायर थे, ये दोनों का मैं अभी बात किया हूँ, मैं अभी ये नहीं बताया कि अंडर रूट 144 बाय रूट 100 इज रैशनल नंबर, मैं अभी यही बोला अंडर रूट 144 एंड अंडर रूट 100, ये दोनों जो है ये दोनों है रैशनल नंबर, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे हेंस अंडर रूट 144 बाय 100 जो कि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम लोग ये लाए थे और दोनों को बता देंगे ये जितना जो है ये एक रैशनल नंबर है, ठीक। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि कोशेंट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। देखो अभी मेन इंपॉर्टेंट ये दो कि आपको वीडियो देखना है, सॉल्यूशन बाद में कर लेना, आपको मैं पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपके लिए अभी आपको यही समझना है कि आपको देख देख के समझना है कि मैं कैसे कर रहा हूं और आप भी कैसे करोगे ताकि आपको अच्छा मार्क्स आ पाए। चलिए आगे लिखते हैं, ध्यान दो। आगे आपका क्वेश्चन है 5 नंबर 2 बाय 3 अंडर रूट 6 है, ओके।
तो हमको बस रूट के अंदर देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो आपको पता है सिक्स जो है किसी का स्क्वायर करते हैं सिक्स नहीं आता, तो रूट सिक्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, देखो बच्चे तो समझ ही जाते हैं कि रूट सिक्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं, थी रेशनल नंबर हो गया और 2/3 रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपको इरेशनल नंबर ही आएगा, इतना तो पता है। लेकिन एग्जाम वाले को तो आपको बोलना तो है नहीं कि आप बोल दोगे सिंपल 2/3 रेशनल है और रूट सिक्स इरेशनल है, दोनों का मल्टीप्लाई किया इरेशनल होगा। ऐसे अगर करोगे डायरेक्ट लिख दोगे इरेशनल तो नंबर भी एक भी नहीं देगा, जीरो नंबर मिलेगा। तो आपको स्टेटमेंट लिख दोगे तो भाई फुल में फुल आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं क्लियरली, रूट सिक्स इज एन इरेशनल नंबर एज सिक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो रूट सिक्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल नंबर हो गया, एंड 2/3 इज इरेशनल नंबर। हिंस 2/3 रूट सिक्स इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ये बात आपको मालूम है, अगर आपको अभी भी डिफिकल्टी लग रहा है तो वीडियो पॉज करके देख लो, पढ़ लो एक बार, आपको खुद समझ आएगा। मैं इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूँ, कोई भी टीचर समझ जाएगा, कोई भी स्टूडेंट समझ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4.1276। देखो सिंपल क्वेश्चन से देखने से समझ रहा है कि मेरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो खत्म हो गया, ना ही ये रिपीट कर रहा है ना, ना ही रिपीट कर रहा है, नहीं यहाँ पूरा खत्म हो गया, मतलब एक टर्मिनेटिंग है। आपको सिंपल सा बात पता है कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होता है तो रैशनल ही होता है, जो खत्म हो जाए इसका रिमाइंडर जीरो आ जाए। यहाँ पे और रिपीट करने वाला कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, और कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल होता है, ये रैशनल नंबर है, साफ पता चल जाता है। लेकिन अगर आप बोल दोगे रैशनल नंबर तो आपको बताना पड़ेगा क्यों रैशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे 4.1276 इज ए रैशनल नंबर एज इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि यहाँ टर्मिनेट कर रहा है और रैशनल नंबर कभी खत्म नहीं होता, उसका डेसिमल निकालोगे तो चलते रहेगा, कभी फिनिश ही नहीं होगा, और हर बार आपको अलग अलग डिजिट आएगा। ठीक, तो ठीक है। अब देखो 22/7, जिसके साथ लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े भैया लोग भी जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं ज्यादातर। कुछ कुछ को आप मतलब जो अच्छे से पढ़े उनको तो आता ही है, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि 22/7 क्या है, रैशनल या इरेशनल। अभी मैं बताया पाई, पाई क्या है, इरेशनल। अगर मैं अभी यहाँ 22/7 को रैशनल बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे कि पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है। मैं तो ये पढ़ा हूँ जब पाई 22/7 के इक्वल है तो ये रैशनल क्यों होता है, बट ये रैशनल क्यों होता है और पाई रैशनल क्यों होता है। तो बच्चों मैं आपसे बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप लेक्चर 5 भी देख सकते हो मेरा, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आपको मैं अंत में लिंक भी दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हो। ओके, तो 22/7 जो है वो पाई के इक्वल नहीं होता है, बल्कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, लगभग दोनों इक्वल है। लेकिन 22/7 रैशनल है क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में, है ना, समझो बात को, पी वाई क्यू के फॉर्म में इसलिए रैशनल है। तो 22/7 इज अ रैशनल नंबर एज इट इज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर विच इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो दो इंटीजर हमेशा एक रैशनल नंबर आता है, ये बात तो अच्छे से मालूम होना चाहिए आपको। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है 1.232332333। अब देखो बहुत बच्चे देखते के साथ बोलते हैं अरे 3 3 रिपीट कर रहा है, तो बच्चों इसको ध्यान से देखो, रिपीट मतलब क्या होता है आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। रिपीट मतलब ये नहीं होता कि बार बार कुछ भी चीज आते रहे, नहीं, रिपीट मतलब बिल्कुल ये नहीं होता। रिपीट मतलब ये होता है कि एक ही चीज बार बार आते रहे। तो अगर आपको लगता है कि रिपीट है तो जल्दी बताइए क्या रिपीट कर रहा है कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल नहीं रिपीट कर रहा है। ध्यान दो, 1.23 एक बार 3 है ना, यहाँ मैं अच्छे समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे मिलेगा एक बार 3, 1 times 3 है ना, यहाँ हो गए तो 2 times 3, फिर यहाँ हो गए 3 times 3, तो क्या इसको रिपीट बोलते हैं, नहीं नहीं ये सीक्वेंस में है लेकिन रिपीट नहीं है। रिपीट तभी बोलते हैं जब 3 3 ही रहता, बार बार 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे ही लिखा रहता तब रिपीट होता। लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्या कि हर 2 के बाद एक 3 ज्यादा हो रहा है, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, डॉट 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 मतलब ये कभी इंड नहीं कर रहा है। क्या सीखे, क्या सीखे कि ये ना ही रिपीट कर रहा है ना ही इंड कर रहा है, ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग मतलब एक एक चीज बार बार नहीं आ रहा, तो नॉन रिपीटिंग है ना। तो कोई भी चीज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है क्या होता है, इरेशनल नंबर। लो इसके लिए मुझे बनाने की जरूरत नहीं, मैं बता दिया ऐसे ही, तो इसको सिर्फ लिख देने हैं। ओके चलिए लिख देते हैं, लिखेंगे 1.232332333 डॉट 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 गिवेन। ओके क्लियरली, 1.232332333 इज एन इरेशनल नंबर, क्यों है लिखेंगे, एज इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी खत्म नहीं हो रहा एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल मैं बताया क्यों नॉन रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि बार बार अलग अलग चीज आ रहा है। ठीक, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 9 3.04004004। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, और आप कर लो क्या, यहाँ पे मैं डॉट 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 डालना भूल गया, सॉरी फॉर डैट, मैं आपको लिख चलता हूँ वहां पे, है ना। तो
तो यहाँ मैं क्या किया, डॉट डॉट डालना भूल गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ डॉट 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 जरूर डाल लें, क्योंकि इसका मतलब होता है कि ये कभी खत्म ना हो। अगर मैं यहाँ डॉट नहीं डालता हूँ, देखो बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ये छोटे छोटे से होते हैं, बिंदु ही तो है, इसको छोड़ दो। अरे छोड़ोगे तो समझ क्या लेगा, सब सब समझेगा, देखो ये टर्मिनेट कर गया, और डायरेक्ट बोलेगा कि देखो रैशनल नंबर हो गया। क्योंकि आपको साफ पता है कि कोई भी नंबर टर्मिनेट करता है तो कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इतना छोटा छोटा चीज गलती बहुत बड़ी हो जाती है, ध्यान दो। तो यहाँ ये जो है 04004 0 तो रिपीट कर रहा है, लेकिन बार बार अलग अलग नंबर में रिपीट कर रहा है, तो ऐसा रिपीटिंग को रिपीटिंग नहीं कहते हैं, ठीक ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग होता है, क्योंकि एक ही चीज तो रिपीट नहीं कर रहा है ना, बार बार अलग अलग मात्रा में आ रहा है, तो ये रिपीटिंग नहीं कहलाता। तो ये लिखेंगे क्लियरली 3.00004 0004 0004 डॉट 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 इज एन इरेशनल नंबर, डॉट डॉट मतलब नॉट इंडिंग, इज एन इरेशनल नंबर एज इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया हो। तो चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन है 2.35656565। देखो हाँ, यहाँ इसमें और उसमें आपको अंतर दिख रहा होगा, इसमें बार बार 65 ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक बार 65 है, फिर 2 को 65 है, फिर तीन 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 बार 6 लिखा है, 6665। तो वो रिपीटिंग नहीं होता है, ये रिपीटिंग है, दिस इज रिपीटिंग। बिकॉज वाई दिस इज रिपीटिंग, मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 6565 65। ओके, तो बार बार एक ही चीज आ रहा है 65, तो रिपीट क्या कर रहा है, 65। ओके, तो देखिए कैसे लिखेंगे, थोड़ा पिक्चर क्वालिटी थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, डोंट वरी, मैं इसे समझा दे रहा हूँ। 2.35656565656 डॉट डॉट डॉट, इसे आप लिख लोगे गिवेन। ओके, अब हम लोग लिखेंगे वी कैन राइट 2.35656565 डॉट 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 को 2.35 और 65 के ऊपर हम बार लगा दिया, क्योंकि 6.65 रिपीट कर रहा है। बार इसलिए लगाया कि मैं 10 बार नहीं 20 बार पढ़ा चुका हूँ कि कोई भी नंबर के ऊपर बार होता है इसका मतलब वो रिपीटिंग होता है, और ये सबके मन में, और एग्जामिनर भी यही सोचता है, उसके मन में डायरेक्ट आ जाता है अरे ये तो रिपीटिंग कर रहा है, बच्चा दिखा दिया। तो आपको फुल मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएगा, है ना। तो लिख देंगे डज 2.3565 के ऊपर बार इज ए रैशनल नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकनिंग है, मतलब रिपीटिंग है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, मतलब 2 नंबर का। ओके, तो यहाँ पे 11 कर दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा माइनॉरिटी मिस्टेक पे मत ध्यान दो, यहाँ पे कंसेप्ट भी जाओ। ओके, तो दिस इज 11 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए चल देखते हैं कैसे बनेगा। देखो क्वेश्चन में लिख लेंगे 6.834834 गिवेन, और यहाँ पे भी देख सकते हो 834, एक ही चीज बार बार आया, इसको हम लोग रिपीटिंग कहते हैं, ये बात आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे क्लियरली 6.834834 डॉट 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 इज ए रैशनल नंबर। आप चाहो तो इसको बार भी लगा लो, बहुत अच्छा, एग्जामिनर समझ ही जाएगा ये बच्चा बहुत समझदार है। इज ए रैशनल नंबर एज 3 डेसिमल प्लेस इज दैट 834 रिपीटिंग। ओके, देयर फोर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो ये हम यहाँ पे लिख चुके हैं, रैशनल नंबर हो गया, रिपीटिंग कर रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट डॉट माइंड, मैं समझाऊंगा तो आपको आसान बहुत लगेगा। करा लेट एक्स बी रैशनल नंबर एंड वाई बी एन इरेशनल नंबर, इज एक्स प्लस वाई नेसेसरी एंड रैशनल नंबर। बच्चों इसको इस ऐसे क्वेश्चन से डरा मत करो, जिसे बच्चे देखते हैं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है वो बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है, नो वेरी इजी क्वेश्चन। देखो करा है कि अगर एक्स को हम लोग रैशनल नंबर मान लें एंड वाई को अगर इरेशनल नंबर मान लें और एक्स प्लस वाई को ऐड करें, तो क्या जरूरी है, ये जरूरी है मतलब निश्चित है कि हमेशा इरेशनल ही आएगा, दो दो एक रैशनल और एक इरेशनल को जोड़ेंगे। एक एग्जाम्पल बताओ जो तुम चाहते हो, जो जवाब देना चाहते हो उसके लिए एक एग्जाम्पल भी दे देना, क्वेश्चन ही करा। तो हम लोग लिखेंगे गिवेन एक्स को रैशनल नंबर मान लेंगे एंड वाई इज एन इरेशनल नंबर। ओके, समझ रहे हो बात को, समझना है, ध्यान दो। तो देयर फोर एक्स प्लस वाई इज नेसेसरी एंड इरेशनल नंबर। क्वेश्चन का बात सही है कि एक्स प्लस वाई हमेशा ही एक इरेशनल ही नंबर आएगा, क्योंकि रैशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ये बात आपको भी मालूम है ना। तो बिकॉज लिख देंगे द सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल। बहुत बच्चे सोचते हैं कि अरे एग्जामिनर कोई छोटा मोटा बात तो पता ही होगा, है ना, तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे लिखने का ही मार्क्स है भाई, ठीक, तो आपको लिखना होगा। अब साथ में एक एग्जाम्पल भी दे देंगे आसान सा, मान लेंगे लेट एक्स इज कल टू 4 एंड वाई इज कल टू √7, ठीक ना। एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 4 + √7, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है, छोटा सा एग्जाम्पल दे दिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर में। ओके वेट वेट, मैं ज्यादा आ गया तो एक पीछे चलते हैं। तो चलिए 4 नंबर क्या है, लेट ए बी रैशनल नंबर एंड बी बी एन इरेशनल नंबर, इज ए बी नेसेसरी एन इरेशनल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करने का है, और एक रैशनल है सेम टू सेम, लेकिन इस बार ए मान लिए, एक्स नहीं, ए एक रैशनल नंबर है और बी एक इरेशनल नंबर है। तो
अगर आप ए इंटू बी करेंगे तो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आएगा क्या? जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल। तो लिखेंगे हम लोग, लिखने का तरीका देखो, मैं बार बार अच्छे से लिख रहा हूँ आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। लेट ए इक्वल टू रैशनल नंबर, पी इक्वल टू एनी रैशनल नंबर, ये गिवन है, ओके। यस, ए बी जो मल्टीप्लाई है दोनों का वो नेसेसरी एक इरेशनल नंबर होगा, एज द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। आपको पता है कि कोई भी रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करते हैं हमेशा हमको इरेशनल नंबर ही आता है। यही बात को लिखना है और आप आराम से लिख दो, ओके। अब देखो एग्जांपल में क्या देंगे, तो एक रैशनल मान लो, एक इरेशनल मान लो। देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, आप एग्जांपल ये दिए तो मैं कुछ और नहीं दे सकता। अरे बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल कोई भी एक रैशनल ले लो, कोई भी एक रैशनल ले लो, एग्जांपल वही हमेशा सही होता है। तो लेट ए इक्वल टू 4 मैं लिया हूं, बी इक्वल टू रूट 5, ए बी इक्वल टू 4 रूट 5 जो कि एक इरेशनल नंबर है, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, डोंट माइंड, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो। करा इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल ऑलवेज ए इरेशनल नंबर, ओके। जस्टिफाई योर आंसर, यहां एन कर लेना, छोटा मोटा प्रॉब्लम में क्या जाना है, ओके ठीक। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन 5 में क्या लिखेंगे। नो द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, यहां आई आर है मतलब इरेशनल नंबर, यस मतलब नो द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी एन इरेशनल नंबर बट नॉट ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। देखो मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिख दिया, समझना होगा। कह रहा है कि नहीं, कोई भी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल शायद हो सकता है, मे बी मतलब शायद हो सकता है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि दो नंबर इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा रेशनल होगा या इरेशनल होगा, शायद इरेशनल भी हो सकता है, शायद रेशनल भी हो सकता है। तो ये लिख देना, मे बी एन इरेशनल बट नॉट ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, और यहाँ पे ऑलवेज लिख दिया तो यही नहीं होगा, ओके। अब हम लोग बताएंगे कि मेरा बात कैसे सही है, क्योंकि जस्टिफाई योर आंसर, करा बताओ, अगर तुम जो भी बोलते हो तुम उसके पीछे बताओ मुझे रीजन कैसे। बोलेंगे चलो ठीक है, ए इक्वल टू रूट 3 मान लो, है ना, बी इक्वल टू रूट 27 मान लो, ठीक। ए भी निकालोगे तो रूट 81 आएगा, 3 इंटू 27 रूट के अंदर रूट 81, रूट 81 परफेक्ट स्क्वायर है 9 का, तो 9 आ जाएगा बाहर, तो 9 आपको पता है ना, 9 क्या है, रैशनल नंबर है, सिंपल। तो क्लियरली इन दिस केस ए बी इज ए रैशनल नंबर। हम दो नंबर दिए, अब पता है दोनों नंबर मेरा कैसा है, दोनों नंबर मेरा यहाँ पे देखोगे रूट 3 रैशनल नंबर, रूट 27 इरेशनल नंबर, और दोनों का मल्टीप्लाई किए ए बी, और जो कि मेरा क्या आया 9 जो कि रैशनल नंबर। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑल, सॉरी ओहो सॉरी फॉर मिस्टेक, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर हेयर कम्स रैशनल, ओके। लेकिन अगर मैं आगे चलता हूँ सेम वही चीज मैं प्रूव करूंगा कि ऐसा नहीं भी हो सकता है, यही बात आपको समझना है, ध्यान दो। कह रहा है क्लियरली इन दिस केस बट इफ ए इज कल टू रूट 3 एंड बी इज कल टू रूट 5 देन ए बी निकालोगे क्या आएगा, रूट 15 आएगा। ए बी निकालोगे तो रूट 15 आएगा, और आपको पता है विच इज नॉट अ रैशनल नंबर, इज दैट एन इरेशनल नंबर, ध्यान दो। तो ए बी इस केस में निकाले रूट 15 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसलिए विच इज नॉट ए रैशनल नंबर, जो कि रैशनल नंबर नहीं है, मतलब क्या है, इरेशनल नंबर, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे है करा गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे में बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफरेंस इज इरेशनल नंबर सेकंड, ओके। तो चलिए पहला बनाते हैं, लिखेंगे लेट टू इरेशनल नंबर बी रूट 5 एंड रूट 3। क्लियरली रूट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर एज बोथ ऑफ 5 एंड 3 आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बहुत बच्चे ऐसे लिख देते हैं रूट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन बताते नहीं क्यों। देखो कि यहाँ पे 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दोनों इरेशनल ही नंबर है, ओके। तो इस बात को लिख देना, लेट टू इरेशनल नंबर भी। अब दूसरा कह रहा है कि डिफरेंस जो है इरेशनल नंबर आना चाहिए, इरेशनल नंबर लेना है आपको, यहाँ देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, लेना हमेशा दो कोई रैशनल नंबर है, लेकिन प्रूफ उसके अनुसार करना है, डिफरेंस इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। लेट टू इरेशनल नंबर बी 5 प्लस रूट 2 एंड 9 प्लस रूट 2, ठीक, दोनों को घटाना है। तो 5 प्लस टू रूट 2 में माइनस 9 प्लस रूट 2 कर लो, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको जब ब्रैकेट को आप एक्सपेंड करोगे तो माइनस 9 माइनस रूट 2, तो माइनस रूट 2 हो जाएगा और ई रूट 2, और आपको पता है कि माइनस प्लस हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल, एंड दैट्स वाई क्या हो जाएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, मैं आपको आगे ले रहा हूँ, ओके हाँ ध्यान दो, क्या हो जाएगा, कैंसिल, ध्यान दो, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ओके ध्यान दो, रूट रूट टू एंड माइनस रूट टू कैंसिल, तो क्या बचा, विच इज नॉट एन इरेशनल नंबर, क्योंकि 5
माइनस नाइन माइनस फोर आ जाएगा, इस बात को आपको पता है ना। तो चलिए आगे चलते हैं फॉर यू। ये क्वेश्चन आपका है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू रैशनल नंबर हूज सम इज एन इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जिसको जोड़ने पर रैशनल नंबर आया, सम इज अ रैशनल नंबर, तो हम लोग लिखेंगे लेट टू इरेशनल नंबर बी रूट थ्री एंड रूट फाइव, देन रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, पता है ना, दोनों का जोड़ करेंगे तो इरेशनल नंबर ये होगा। आगे लिखेंगे सम इज अ रैशनल नंबर, तो लेट टू इरेशनल नंबर बी टू माइनस रूट फाइव एंड थ्री प्लस रूट फाइव, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो रूट फाइव एंड रूट फाइव कैंसिल, टू थ्री फाइव आ गया, फाइव जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो चलिए आगे चलते हैं। फाइव नंबर, प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट इज इरेशनल नंबर, पहला प्रोडक्ट इरेशनल आना चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट रैशनल आना चाहिए। देखो इरेशनल के साथ हमेशा एक ही चीज होता है कि इरेशनल नंबर का कोई भी चीज कर लो, चाहे एड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन, या तो रैशनल भी हो सकता है या वो इरेशनल भी हो सकता है, दोनों केस बनता है, इसलिए दोनों चीज पॉसिबल है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पहला करेंगे लेट टू इरेशनल नंबर बी रूट थ्री एंड रूट फाइव, देन प्रोडक्ट निकालेंगे तो रूट थ्री इंटू रूट फाइव रूट फिफ्टीन हो जाएगा, क्लियरली रूट फिफ्टीन इज एन इरेशनल नंबर। ओके क्यों है, क्योंकि फिफ्टीन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बार बार लिखना नहीं है, सेम चीज है, आप लिख भी तो ज्यादा अच्छा, नहीं भी लिखो तो इजी है, ये एक दो मार्क्स का ही आएगा। ओके सॉल्यूशन सिक्स, लेट टू इरेशनल नंबर बी फाइव रूट थ्री, ओके क्योंकि मुझे रैशनल नंबर प्रूव करना है, ध्यान दो लेट टू इरेशनल नंबर बी फाइव रूट थ्री एंड रूट थ्री, दो अलग अलग ही है, फाइव रूट थ्री और रूट थ्री। बार बार मैं रूट थ्री क्यों लिया, क्योंकि दो बार अगर एक ही नंबर को रूट में रहे तो फिर बाहर आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है ना। फाइव इंटू रूट थ्री रूट थ्री, तो आपको रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा, और फाइव थ्री जब फिफ्टीन हो जाएगा, इस बार रूट फिफ्टीन नहीं आती, फिफ्टीन आ गया, मीन्स फिफ्टीन इज अ रैशनल नंबर। तो यही मुझे प्रूफ करना था, बताना था प्रोडक्ट रैशनल नंबर हो, दो एग्जाम्पल के साथ मैं कर दिया। तो चलिए आगे चलते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू रैशनल नंबर हूज कोशेंट इज एन इरेशनल नंबर, कोशेंट क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद कह रहा है कोशेंट इज इरेशनल नंबर, दो चीज होना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन सेवन में लेट टू इरेशनल नंबर बी रूट थ्री एंड रूट फाइव, ओके देन रूट थ्री एंड रूट फाइव को डिवाइड कर देंगे, जो कि क्या इरेशनल नंबर, क्यों है, क्योंकि रूट थ्री जो है वो भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, रूट फाइव भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए इरेशनल ही नंबर है, इसको लिखना नहीं है, इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये दोनों इरेशनल नंबर है। अब क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को फिर आगे प्रूफ करना है, तो लिखेंगे लेट टू इरेशनल नंबर बी फाइव रूट थ्री, सॉरी फॉर डैट अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा कटा हुआ है, बस आपको समझ आ रहा होगा, फाइव रूट थ्री एंड रूट थ्री, देन फाइव रूट थ्री बाय रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री गेट कैंसिल एंड फाइव आपका आ जाएगा, देयरफॉर फाइव इज ए रैशनल नंबर। ओके समझ आ रही है बात, तो आगे चलते हैं। एग्जामिन करना है, पता लगाओ वेदर द फॉलोइंग नंबर इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल। देखो जब भी एग्जामिन लिखे ना, उस समय मुझे एग्जाम्पल मांग रहा था, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, लेकिन एग्जामिन मतलब पता लगाओ, तो पता लगाओ कैसे, तो बताओगे तब ना पता लगाओगे, तो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना होगा। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन थ्री प्लस रूट थ्री, दूसरा है रूट सेवन माइनस टू, लिखेंगे सोल्यूशन वन में हमको पता क्या लगाना है, रैशनल है कि इरेशनल, तो लिखेंगे थ्री प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर एज द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, थ्री जो है आपका वो रैशनल है एंड रूट थ्री जो है इरेशनल है। ओके देखो उतना ही लिखो जितना रिक्वायर्ड है, जैसे कि एक मार्क्स का, ओके तो आप इतना लिख दोगे काफी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई कुछ कुछ एक्स्ट्रा में आ जाते हैं तो तीन चार लाइन और एक्स्ट्रा लिख देते हैं, तो नंबर सेम ही मिलेगा, आपका जो जितना भी मेहनत कर रहे हो वो क्या हो गया, कीज हो गए, है ना। तो चलिए सेकेंड देखते हैं, रूट सेवन माइनस टू, रूट सेवन माइनस टू इज एन इरेशनल नंबर एज द डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, है ना। ध्यान दो, वीडियो लंबा हो जाता है, इस पर ध्यान मत दो, आप लोग हैं कोशिश करो कि एक ही बार हम पूरा देख लो, ओके नहीं हो रहा है पॉज करके हाफ हाफ करके देखो। तो रूट सेवन माइनस टू क्या है, एक रैशनल नंबर है, एज द डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल ओके और रैशनल का डिफरेंस, यहाँ रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस हमेशा रैशनल होता है, इसलिए ये बात हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है थ्री रूट फाइव इंटू अंडर रूट ट्वेंटी फाइव। एक्चुअली गाइज क्वेश्चन में आपका ये रूट फाइव नहीं है, यहाँ पे क्यूबिक रूट है, तो आप यहाँ क्यूबिक रूट कर ले, ठीक। तो चलिए ध्यान दो, तो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, क्यूबिक रूट ऑफ फाइव एंड क्यूबिक रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू लिख देंगे। देखो क्यूबिक रूट को क्यूबिक रूट ही लिखने देंगे, डोंट माइंड, यहाँ ध्यान दो, क्यूबिक रूट को हम लोग क्यूबिक रूट ही लिखने देंगे, और
25 × 5 अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 आ जाएगा। अब ध्यान दो 125 है वो परफेक्ट क्यूब है ना, 5 का परफेक्ट क्यूब है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। क्लियरली 125 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 5, देयरफॉर 3 क्यूब रूट ऑफ 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 25 इज अ रैशनल नंबर, है ना, क्योंकि ये जो है इसका जो मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे एंड सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पे फिर एंड नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक दो छोटा माइनर मिस्टेक है, डोंट माइंड। तो रूट वो भी मैं क्लियर कर ही दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग मुझे बता रहे हो, मैं खुद ही क्लियर कर रहा हूँ, राइटिंग वक्त हो जाता है। ओके, तो रूट फाइव जो है क्यूबिक रूट ऑफ 5 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 25 जो क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ था उसका वैल्यू मुझे 5 निकल के आया है ना, तो ये क्या है, इज अ रैशनल नंबर नॉट इरेशनल नंबर। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे है रूट 7 इंटू 343। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट 7 को रूट 7 ही लिख रहने देंगे और 340 को तोड़ देंगे, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइज करिएगा आप तो 7 × 7 × 7 आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए है ना। अब ध्यान दो, एक 7 को इसके पास लेके चल जाएंगे तो 7 जब 49 हो जाएगा है ना, और दो 7 मिलके यहाँ 49 हो जाएगा, रूट 49 इंटू रूट 49 हो जाएगा। अब आपको पता है कि रूट 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है 7 का है ना, तो इसका एक 49 का 7 आ जाएगा, दूसरा 49 का भी 7 आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करके 49, तो मेरा आंसर क्या है 49 है ना। तो लिख देंगे क्लियरली 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, दोनों के लिए एक ही बात, ये भी 49 था ये भी 49, तो ये बात को लिखना 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, देयरफॉर रूट 7 इंटू 343 इज इक्वल टू 49 विच इज अ रैशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो, अगर कोई भी फिर भी प्रॉब्लम है तो आप डाउट जो भी हो डाउट नहीं रखना, मैं आपके लिए इसलिए YouTube वीडियो बना रहा हूँ कि आप डाउट ना रखें, आप कमेंट करें। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, 5 अंडर रूट 13/170 लिखेंगे, फटाफट करते हैं, क्लियरली अंडर रूट 13/170 को 1 टाइम्स आ जाएगा 13, 9 टाइम्स 119, 1/9 का करोगे तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 1/9 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1/9 आता है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 1/3 का, 1/3 बाहर आ जाएगा। दस अंडर रूट 13/170 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि मेरा जो आंसर आया यहाँ पे देख सकते हो वो क्या चीज के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, 1/3। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं फटाफट। रूट 8 है और रूट 2 मल्टीप्लाई में, तो लिखेंगे रूट 8 इंटू रूट 2, तो रूट 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, रूट 4 इंटू 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 को इधर ले आएंगे तो रूट 4 इंटू रूट 4 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 4 ही आएगा। क्लियरली 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, और हमको पता है कि जो 4 है, ये जो 4 है वो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, देयरफॉर रूट 8 इंटू रूट 2 इजकल टू रूट 4 इंटू रूट 4 लिख सकते हैं ना, और ये भी हम बता भी दिए कि रूट 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो क्या आया 4 है। देखो बहुत बच्चे को एक्सप्लेनेशन से कोई लेना देना नहीं देता है, वो सिर्फ एक तरह से लिखते हैं मेरे देख के, वो मुझे पसंद नहीं है। आप क्या करो, एक्सप्लेनेशन को सुनो, इससे क्या होगा आपका कंसेप्ट बिल्डिंग होगा है ना। तो चलिए आगे चलते फटाफट, आगे है करा इंसर्ट ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। देखो ये सब कुछ बहुत इजी, देखो मैं समझाऊंगा, बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, बट डोंट माइंड, मैं अच्छे से समझाऊंगा। ध्यान दो, हम लोग लिखेंगे, हमको रैशनल नंबर निकालना है, एक इरेशनल नंबर बताना है। देखो जब भी एक पूछे ना, एक का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको बहुत सारा रैशनल नंबर निकालने में बताया होगा लेक्चर 2 में, और बहुत सारा एक्सरसाइज 1 भी जो मैं करवाया है ना, आपका आरसी वाल का एक्सरसाइज 1A 1B, उसमें मैं ऑलरेडी रैशनल नंबर निकलवा चुका हूँ। तो रैशनल नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आपको मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ फिर से, अगर आप भूल चुके हो उसके लिए है ना। ध्यान चलते हैं, आपका क्या है 1A + B/2 है ना, ये फॉर्मूला है रैशनल नंबर निकालने का। ए आपको दिया है 2 एंड बी दिया है 2.5, तो रैशनल नंबर क्या होगा 2 + 2.5 4.5/2 है ना। तो पॉइंट हटा के यहाँ पर से और नीचे आप जीरो लगा लोगे यहाँ पे है ना, तो 45/20 आ जाएगा। तो आपका क्या आ गया 9/4 = 9/4 में कैसे ले आया, तो सिंपल है यार, समझो बात को, 5 से कैंसिल करो ऊपर कितना टाइम्स लगेगा 9 टाइम्स में, 5 से नीचे कैंसिल करो कितना टाइम्स लगेगा 4 टाइम्स में, इसी तरह से आ गया मेरा है ना, समझो बात को। ओके, तो ध्यान दो ये आ गया आपका रैशनल नंबर 2.25। अब देखो इसको पॉइंट में इसलिए लिखा कि क्वेश्चन मेरा पॉइंट में था, आप चाहते तो 9/4 भी लिख देते, लेकिन अच्छा वही रहेगा कि जो जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर था है ना। तो 2.25 ये एक पहला रैशनल नंबर हो गया। अब मुझे इरेशनल नंबर निकालना है, तो याद रखना बच्चों इरेशनल नंबर का एक फॉर्मूला होता है, कभी भी आपको दो नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालने बोले तो आप क्या करोगे अंडर रूट ए बी,
अंडर रूट एबी, ओके ठीक। तो ए बी क्या है, दो नंबर जो दिया है, ए आपको क्या दिया है 2 एंड बी क्या दिया 2.5, 2.5 इंटू 2 5 आ जाएगा, तो अंडर रूट 5 क्या होगा आपको पता है, अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो निकल गया है ना। एक निकालने दे तभी ऐसा करिएगा, एक से ज्यादा दे तो उसके लिए मैं आपको एक अलग तरीका बता रहा हूँ, ध्यान दो मैं आगे बता रहा हूँ। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा है थोड़ा बोर हो रहे हो तो आप वीडियो पॉज कर लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, फिर देखो, डोंट माइंड। चलो चलिए, तो हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3, पहला क्वेश्चन पूछा कि रूट 2 एंड रूट 3 के बीच में कितना इरेशनल नंबर लाइज करता है ना। दूसरा पूछा फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3, रूट 2 और रूट 3 के बीच कोई भी 3 इरेशनल नंबर पता लगाओ, है ना। क्या करेंगे, लिखेंगे क्लियरली देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन एनी 2 इरेशनल नंबर, देयरफॉर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 इनफिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर एग्जिस्ट, है ना। ध्यान, हम लोग बोलेंगे कि कोई भी, देखो सिंपल सी बात, आप सिंपल सी बात आपके मन में बना लो कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है, कोई भी दो इरेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है, याद रखना, कोई भी दो इरेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है, समझो बात, ये बात हमेशा याद रखना, इनफाइनाइट ही होता है। तो ये बात लिख देंगे इनफाइनाइट, ओके। आगे लिखेंगे देयरफॉर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3, पहले तो हम ये लिख दें कोई भी के बीच में, लेकिन हमको यहाँ रूट 2 और रूट 3 के बीच पूछा है, तो रूट टू और रूट 3 बात तो वही है, इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर एग्जिस्ट, ओके। नाउ रूट 2 का हम लोग वैल्यू निकाल देंगे, तो रूट 2 का वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगा 1.4142 डॉट डॉट डॉट, ये आएगा। देखो बहुत मुझे क्या करते हैं, बोले कैसे निकाल लिया आप, है ना, इतना बड़ा वैल्यू कैसे मैं याद रखूँ। अरे कुछ नहीं करना, अगर दो डिजिट तक भी आप याद रखते हो ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, काफी है। मैं यहाँ पे दो ही डिजिट तक लिखा, अब ये मत कंफ्यूज होना, एक में हम 4 डिजिट तक लिखे और एक में 2 डिजिट तक लिखे, तो आप कितना डिजिट तक लिखोगे, अरे नीट के अनुसार में आप 2 भी लिखो ना, मैं 2 पे ही आपको बना के दिखाऊंगा, ओके डोंट वरी। तो चलिए देखते हैं, तो रूट 2 जो क्वेश्चन दिया था लिख लिए, रूट 3 का वैल्यू डेसिमल में कर लेना है, क्यों करना है मैं बता रहा हूँ, जब भी रैशनल नंबर निकालने देना एक से ज्यादा के लिए, तो जो भी क्वेश्चन है उसको डेसिमल में कर दो, सबसे अच्छा तरीका है। तो रूट 2 और रूट 3 को मैं डेसिमल फॉर्म में कर दिया, अब हम लोग लिखेंगे हेंस द 3 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन देम आर 1.51551551 डॉट 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 1.616616661 डॉट 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 1.717717771 डॉट डॉट। अब बहुत मुझे कन्फ्यूज यहाँ होते हैं, ध्यान, मैं ऐसा कैसे किया, देखो निकालना क्या है, निकालना क्या है, तो निकालना मुझे इरेशनल नंबर किसके किसके बीच में, एक रूट 2 और रूट 3 के बीच, तो रूट 2 1.41 इसका वैल्यू दो ही लो, दो ही डिजिट तक लो, रूट 3 वैल्यू 1.73, तो 1.41 से 1.73 के बीच में कोई भी इरेशनल नंबर आए लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बोलोगे मैं कैसे पता रहूँगा इरेशनल नंबर कैसे लिखा जाता है, अरे सिंपल सा फंडा है, इरेशनल नंबर वो होता है जो कभी खत्म ना हो, पहला चीज, तो डॉट 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 अंतिम में लगा देना बस, ठीक, लेकिन टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए और रैकरिंग भी नहीं होना चाहिए, रैकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं करना चाहिए, एक ही चीज़ को बार बार अगर 6666666 डॉट 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 लगाओगे ना तो रैशनल नंबर क्या रहेगा, इसलिए ऐसा गलत काम नहीं करना, बार बार चेंज करते रहो। देखो मैं यहाँ किया हूँ 1.51 लिखा है ना, फिर दो दो बार 5 लिखा 551, फिर 5551, ठीक ना, क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहाँ रिपीट नहीं होने दूंगा, अगर एक बार मैं 5 लिखता 5151 रिपीट होता और वो रैशनल नंबर कहा जाता, लेकिन मुझे इरेशनल लिखना है तो मैं रिपीट नहीं होने दूंगा। तो आप भी ऐसा ही काम करो, अब बोले हुए बहुत बच्चे कि 1.5 ही क्यों लिए, 1.42 ले नहीं सकते, 1.41 से तो बड़ा है 1.42, है ना, 1.43 नहीं ले सकते हैं आप क्या, तो आप कुछ भी लो ना भाई, अभी तुरंत तो बोला इनफाइनाइट होता है, जो लो वही मिलेगा, बुक से मैच करने पर मत रहो, बुक से आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि हर एक आदमी जो हर एक जो स्टूडेंट वो डिफरेंट डिफरेंट लेगा, तो आपकी मर्जी, तो यही भी मैं लिया। चलिए आगे चलते हैं, देखो जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझो बात को, कर फाइंड टू रैशनल नंबर एंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55, तो समझो बात को, लिखेंगे लेट ए इक्वल टू 0.5 एंड बी इक्वल टू 0.55। अब ध्यान दो क्लियरली टू रैशनल नंबर बिटवीन ए इक्वल टू इज बिटवीन ए इक्वल टू 0.50, अब बोलोगे ए तो 0.5 दिया है, अरे आगे जीरो लगाने से क्या जाता है, डेसिमल के बाद लास्ट में हम लोग जीरो लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, तो यहाँ जीरो लगा लिया, तब क्वेश्चन में ऐसे समझो 0.50
और 0.55 के बीच में जो भी रैशनल नंबर आ रहा है लिख दो, सिंपल है, 0.51, 0.52। बहुत मुझे कंफ्यूज करता है, अरे रैशनल नंबर कैसे हो सकता है? अरे सिंपल है, रैशनल नंबर किसको कहते हैं? अभी तक कंफ्यूज ही हो। रैशनल नंबर उसको कहते हैं जो टर्मिनेट हो जाए, जिसका वैल्यू निकल जाए। निकल गया 0.51, ये ना ही रिपीट कर रहा है ना ही बहुत मतलब कि नन रिपीटिंग है, ये तो खत्म हो गया। तो जो खत्म हो गया रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। आप यहाँ 0.53 भी लिख सकते हो, 0.54 भी लिख सकते हो। अब बहुत बच्चे पूछेंगे क्या 0.56 लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि 0.55 ही तक चलना था, उससे ज्यादा आप नहीं जाओगे, है ना। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। अब ध्यान दो, अब हमको इरेशनल नंबर भी दोगे लिखना है। देख लो, इरेशनल नंबर वो होता है जो कभी खत्म ना करो, तो अंतिम में डॉट 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 लगाएंगे, मतलब कि कभी खत्म नहीं करेगा। दूसरा बात कि ये नहीं कि आप एक ही चीज को बार बार लिख देना, हर बार बदल बदल के लिखो। एक बार एक लिखे तो अगला बार दो लिखा करो, चाहे आप कुछ भी लिखो उससे मुझे कोई लेना देना। चाहे आप वन को एक बार लिखो, उसको दो बार फिर आगे में लिख दो, या फाइव को लिखो, या आपकी मर्जी, बस बदलते रहना। मैं इतना कर रहा हूँ, आंसर मैच करे या ना करे उससे आपको नहीं लेना देना, आप खुश रहो, बस आप सही बना रहे हो। ध्यान दो, तो नाउ द टू इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी आर 0.5155। दो बार फाइव लिखा, देखो फिर वन लिखा, फिर तीन बार फाइव लिखा, फिर वन लिखा, मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा और नॉन टर्मिनेटिंग भी, खत्म भी नहीं हो रहा, इसका मतलब इरेशनल। एंड 0.52552 5552 डॉट डॉट डॉट, है ना, समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका कह रहा है फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5 by 7, 9 by 11। जब भी कभी देखो, आप करना क्या, मैं बहुत सारा वैसे भी आपको बहुत सारा तरीका बता चुका हूँ, जो भी तरीका पड़े रैशनल नंबर निकालने का, चाहे इरेशनल नंबर निकालने का, सब बकवास। इस तरीके का अब जो मैं नया मेथड आपको बताया हूँ डेसिमल में करके बनाने का, वो सबसे बेस्ट तरीका, उससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है ना। तो याद रखना, सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, डेसिमल करो, उसके बाद तो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि समझो बात को। अब करा है कि 5 by 7, 9 by 11 में निकालना है क्या, इरेशनल नंबर, ठीक ना, तीन निकालना है, थ्री डिफरेंट। तो चलो लिखेंगे, लेट अस फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ 5 by 7 and 9 by 11 इन डेसिमल फॉर्म। 5 by 7 को आप 7 से 5 में डिवाइड करोगे, कर लो खुद से डिवाइजन, ये सब छोटी मोटे काम है। तो आप करोगे 0.7142857 आ जाएगा, है ना। अब बोलोगे इतना इतना डिवीजन करेंगे तो टाइम निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, तीन ही रैशनल नंबर लिखना है, ना कि 300 रैशनल नंबर निकालना है कि डेसिमल में करते जाए। देखो ज़्यादा बोले ना, जब से जैसे कि 500-600 रैशनल नंबर निकालने देते तब जाके इतना बड़ा करोगे चलेगा। तीन बोला तो दो डिजिट तक जाओ, बस उतना ही काफ़ी है। अगर मैं बोलूँ चलिए ठीक है, आप ले में एक सुविधा है, आप क्या करो यहाँ से काट दो, नहीं भी काटो तो अच्छा है, काट भी दो तो सही है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर गलत बताएं, नो कुछ भी करो काट दो। अब मेरा क्या बचा, 5 by 7 का वैल्यू क्या है 0.7, है ना। 9 by 11 का वैल्यू क्या है 0.81, मत लिखो आगे जाओ, 0.81 तक लिखो। समझो बात, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, इन्हीं का आप भी काटते रहो। देखेंगे देयरफॉर द थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर, है ना, लाइंग बिटवीन 5 by 7 and 9 by 11 आर क्या क्या होंगे। देखो 0.7177177 देखो 0.714 आया था, इतना 4 तक कर देना, कम से कम 4 आया था। तो आप चाहो तो 0.7171 लिखे, देखो यहाँ 71 लिखा, फिर 77 लिखा, इससे ज़्यादा चलना है। यहाँ 4 में क्यों लिखा कि 4 के बाद वाला लिखना है, तो 4 के बाद 7 आता है थर्ड पे, है ना। मैं ऐसा जानबूझ के लिखा, अब बहुत मुझे कन्फ्यूज रहते हैं, मुझे तीन ही तो निकालना है, और 0.71 मालूम है, क्या मैं 0.72772777772 ऐसा नहीं लिख सकता। अरे लिखो ना कुछ भी, मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ना कि आपको चीट कराने के लिए कि ऐसे ही बनाओ अभी, है ना। 9 by 11 का 0.81 है, तो आप तीन को तो बीच में ऐसे ही लिख सकते हो, 0.72 0.73 0.74 हो गया, है ना। लेकिन हमें ऐसा लिखा हूँ तो समझो बात को, क्यों ऐसा लिखा हूँ, क्योंकि 4 के बाद ही वाला हमको लिखना है, इसलिए मैं 7 लिखा, है ना, 7 7 1 7 7 7 1 डॉट 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 0.75 फिर मैंने लिया, अपने मन से लेना है ना, मन की मर्जी। 2 बार 7 फिर 5 3 बार 7 फिर 5 डॉट 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 0.78 7 7 8 7 7 7 8 so on, समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं, फाइंड टू रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू बिटवीन द नंबर्स 0.212111212111 ऐसे डॉट डॉट डॉट
0.20220220 तो रैशनल नंबर निकालना, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। रैशनल नंबर किसको कहते हैं जो टर्मिनेट कर दे, है ना। देखो यहाँ पे 0.21 0.20 20 के बाद 21 जाने में एक ही मिलेगा, तो तीन डिजिट तक लेके चलते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, बुक से ज़्यादा नहीं, मतलब छापना है तीन डिजिट ले लो, तीन इधर तीन ले लो, तो क्या आ जाएगा 202 से चलना है कहाँ तक 212 तक चलोगे, बहुत सारा रैशनल नंबर मिल गया है ना। 203 204 ये सब रैशनल ही है, सब रैशनल है, जो खत्म ना हो वो रैशनल, सिंपल टर्मिनेटिंग रैशनल मतलब कि, है ना, जिसको हम लोग पी वाई क्यू फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं, पता है ना। ध्यान दो, लिखेंगे द गिवन टू रैशनल नंबर आर इतना एंड इतना, देयर फोर टू रैशनल नंबर बिटवीन देम आर 0.203 एंड 0.205, 3 और 5 टू के बाद 3 आता है, 2 के बाद ही लिखना था, है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो 2 के बाद चलना है 12 तक, ठीक समझो बात, तो 2 के बाद 3 आता है 5 आता है, दो ही तो लिखना है। नाउ लेट अस राइट इन द फॉर्म पी वाई क्यू, क्या करना है, डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दो, ठीक। डेसिमल जब हटा लोगे, यहाँ से डेसिमल हट गया, यहाँ से तो 3 जीरो नीचे आ गया है ना, देखो मैं लिख दिया, फिर यहाँ पर देखो यहाँ से डेसिमल हटाओगे 3 जीरो नीचे आ जाएगा, सो डेट्स योर आंसर। तो चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 13, उसके बाद ट्रू फॉल्स है। फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 0.16 एंड 0.17, समझो बात को। तो यहाँ पे 16 17 के बीच में दूरी एक ही है, दो रैशनल नंबर निकालना है, बहुत ही मुश्किल का काम आपको लग रहा होगा, है ना, सिंपल सा आसान बना देते हैं, है ना। देखो द गिवन टू रैशनल नंबर आर 0.16 एंड 0.17 इज दैट 0.160, आसान बनाने के लिए किया, मैं चाहता तो वैसे ही बना देते लेकिन आपको समझाने के लिए 0.170 क्या किया, मैं अंतिम में जीरो लगा लिया, इसमें भी जीरो लगा लिया, ताकि मुझे 10 का डिफरेंस हो जाए और मैं कितना भी रैशनल नंबर लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे लिखना दो ही। देयरफॉर टू इरेशनल नंबर बिटवीन देम आर 0.16, जीरो के बाद क्या होता है 1 फिर 6 6 1 6 6 6 1, क्योंकि रिपीट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा बार बार एक एक बढ़ा के लिखना रहता है ना, समझो बात को, रिपीट नहीं करे इसलिए मैं बढ़ाते डॉट 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 एंड 0.165 पे लिख लिया, आपका मन, आप 6 2 भी लिख सकते हो, है ना, 0.165 665 6665 डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो गया 13 का सॉल्यूशन। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन में कराए ट्रू फॉल्स बताए, तो बहुत मुझे अब वीडियो कैंसिल कर देते हैं, ट्रू फॉल्स तो बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन मैं यह रीजन बताऊंगा, डोंट माइंड, रीजन के साथ पढ़ना है ना, ध्यान दो। पहला है कि देख लेते हैं पहले कौन कौन सा है, ध्यान दो, तो यहाँ देखते हैं द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर ट्रू, देखो कोई भी दो रैशनल नंबर को जोड़ोगे तो रैशनल ही आएगा, ये तो यूनिवर्सल है, ट्रू हो गया। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल फॉल्स, अब क्यों फॉल्स, क्या दो इरेशनल नंबर को जोड़ने पे इरेशनल नहीं आता है, जो आप फॉल्स लिख दें, अरे भाई आता है आता है, दो इरेशनल नंबर जोड़ोगे तो इरेशनल आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आएगा, यहाँ पे ये बात मैं लिखना चाहिए ना, अगर मैं लिखता मैं मतलब शायद आ सकता है तब सही था, लेकिन यहाँ मैं नहीं लिखा, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया कि इरेशनल होगा, तब तो गलत है ना। देख लो लिखेंगे लेट ए, कैसे बता भी सकते हैं, देखो लेट ए इक्वल टू 3 - √5 एंड बी इक्वल टू 9 + √5, अब दोनों को ऐड करो करो, देन ए प्लस बी क्या हो जाएगा 3 + 9 = 12, और यहाँ पे जो देखोगे यहाँ पे जो -√5 है ये और ये +√5 कैंसिल, 9 + 3 क्या आ गया 12 12, क्या है रैशनल नंबर, और यहाँ क्वेश्चन क्या करा था कि हमेशा इरेशनल नंबर आए, ऐसा तो नहीं है, इरेशनल नंबर आ सकता है लेकिन हमेशा नहीं। चलिए आगे चलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर ट्रू, हाँ दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, तो क्या बोलेंगे फॉल्स, हमेशा इरेशनल नहीं होता है, कोई भी इरेशनल नंबर का चाहे प्रोडक्ट हो, इरेशनल नंबर की बात करो चाहे प्रोडक्ट हो या इरेशनल नंबर का ऐड हो या इरेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन हो या इरेशनल नंबर का डिवीजन हो, सब में दोनों चांस बनता है, कोई एक फिक्स नहीं है, है ना। लिख देंगे ए इक्वल टू ए लिख दें, बी इक्वल टू ए लिख दें, दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी, तो आप पता है ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, फॉर्मूला भी याद करा दिया इसलिए जान बुझ के मैं ऐसा एग्जाम्पल लिया, समझो बात को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट का स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा 5 का स्क्वायर 5 ही आ जाएगा, 9 - 5 = 4 आ गया, 4 एक रैशनल नंबर है, क्वेश्चन में रैशनल बोल रहा था इसलिए फॉल्स, समझ आया, ध्यान। करेक्ट द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इन इरेशनल नंबर इज इरेशनल ट्रू, ध्यान दो कोई भी रैशनल नंबर में से इरेशनल में माइनस करोगे तो इरेशनल ही आएगा, देखो रैशनल इरेशनल के साथ हमेशा इरेशनल ही आता है, लेकिन दो इरेशनल नंबर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी,
नहीं भी, हाँ भी, चलो। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज रैशनल नंबर। अब सब बच्चे को पता है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है। तो नॉन जीरो लिखे या कुछ लिखे, नॉन जीरो मतलब क्या, जो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ध्यान, उससे मुझे कोई लेना देना है नहीं। इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर जब भी मल्टीप्लाई हो तो इरेशनल ही आता है, लेकिन क्वेश्चन में देखोगे इस बार थोड़ा अलग कर दिया, यहाँ पर रैशनल नंबर लिख दिया लेकिन आता क्या है इरेशनल, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ आ रहा है बात, समझो अच्छे से, ध्यान दो। एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ध्यान दो, रियल नंबर जो होता है वो कलेक्शन है, उसमें रैशनल नंबर भी होता है और इरेशनल भी होता है, इसलिए हर एक रियल नंबर तो रैशनल भी, शायद रैशनल भी निकले, कोई भी रियल नंबर उठाया या तो रैशनल निकल सकता है इरेशनल निकल सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला है कि मेरा रैशनल नंबर है, तब तो गलत है, फॉल्स हो जाएगा, है ना, ध्यान दो। करा एवरी रियल नंबर इज इधर रैशनल और इरेशनल, वेरी गुड, इस बार बहुत अच्छी लिखा है। करा कोई भी रियल नंबर या तो रैशनल निकलेगा, है ना, या इरेशनल निकलेगा, वेरी नाइस, सही बात बोला, तो ट्रू, यही बात तो मैं बताया आपको। अब करा है लास्ट क्वेश्चन, पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रैशनल, ट्रू, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो चलिए, अगर आपको मेरा अच्छा लेक्चर लगा हो तो आप, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। हाँ, सॉल्यूशन का वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, डोंट माइंड, क्योंकि मुझे एक ही वीडियो में समझाना है, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता, सॉरी फॉर दैट, बट आप देखो, समझ जरूर आएगा, थैंक्स।